हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो अभी नवरात्रि चल रहा है और शारदीय नवरात्रि चल रहा है। तो शारदीय नवरात्रि में चौथे दिन किस माता की पूजा की जाती है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं, चौथा दिन जो है वो माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जी हाँ, माँ कुष्मांडा को कौन से वस्त्र पसंद है, क्या भोग पसंद है, पूजा विधि क्या है और ये इन्हें ममता की देवी क्यों कहा जाता है, ये मंद मंद क्यों मुस्काती, वो सारी बातें बताऊंगी आप लोगों को। तो बने रहिए वीडियो में। माँ कुष्मांडा की पूजा से होता है सभी रोगों का नाश, जानिए पूजा विधि, भोग और मंत्र। नवरात्र के चौथ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन उपवासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, इसीलिए इस दिन बेहद साफ और पवित्र मन से माँ कुष्मांडा देवी की के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और आराधना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा को लेकर ये प्रबल मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं माँ का स्वरूप महिमा। आइए जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन का महत्व। नवरात्र के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ कुष्मांडा। मान्यता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से और संपूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा है माँ का स्वरूप। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। उनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और कमंडल सजे हैं। वहीं दूसरी भुजा में वे सिद्धियों व निधियों से युक्त माला धारण किए हुए हैं। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है। ये है माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडाय रूपेण निसंसिता, नमस्तत्सै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा देवी को प्रिय है ये फल। माँ कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुम्भड़े यानी कि समूचे पेठे के फल की बलि दे। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाए। ब्रह्मांड को कुम्भड़े के समान माना जाता है जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। अगर आपको साबुत कुम्भड़ा ना मिले तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। बहुत जगह पेठे को मुरब्बा बोलते हैं, भतुआ पाग भी बोला जाता है। तो आप इस चीज़ से माँ कुष्मांडा की को भोग लगा सकते हैं। तो आज चौथा पूजा मैं बताई आप लोगों को माँ कुष्मांडा के बारे में। कल मैं बताऊंगी पांचवा पूजा, स्कंद माता की पूजा कैसे की जाती है। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।